सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी के नए वीडियो में। लेके आ गया आप लोगों के लिए एक और काफी कमाल का इवेंट। इस इवेंट के थ्रू आप जो है वो क्लेम कर सकते हो $100 से भी ज्यादा के फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेशंस, जो ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आ रहे हैं, जो आपको आपके करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं, आपको जॉब में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो, या आपको वहाँ पे भी काम में आने वाला है। डेफिनेटली माइक्रोसॉफ्ट का इतना बड़ा नाम है, उस सर्टिफिकेशन के पीछे छोटा मोटा सर्टिफिकेशन होगा नहीं। सो ये कैसा फ्री ऑफ कॉस्ट क्लेम कर सकते हो, और एक चीज बता दूं, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे सबको अपना एक फ्री सर्टिफिकेशन का वाउचर मिलेगा, जिसको आप क्लेम कर सकते हो। पूरी प्रोसेस में डिटेल में बताता हूँ, बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने अभी तक हमारा सेकंड चैनल यानी एल्गोरिथम एंड कोड को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको कर लेना। इसके ऊपर हम लोगों के लिए जावा प्लस DSA कोड कैंप रन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आप लोगों को इन डेप्थ जावा और DSA सिखाएंगे, जो आपको कंपनी क्रैक करने में हेल्प करेगी। मैंने भी काफ़ी सारी कंपनी अपनी क्रैक करी है इसी के थ्रू। जो मैंने सीखा है अब वो सारी चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, और काफ़ी ईजी वे में सिखा रहा हूँ, प्रॉपर हिंदी में सिखा रहा हूँ। तो जाकर चेकआउट करो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। चलते हैं सीधे अपने इवेंट के ऊपर। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ साल पहले, मतलब एक साल पहले, मैंने जो है 13 जुलाई 2023 को माइक्रोसॉफ्ट लर्न AI चैलेंज में एक इवेंट के नाम पे एक वीडियो लॉन्च कर रहा था, जिसके अंदर आप लोगों ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया था, काफी सारे लोगों को सर्टिफिकेशंस भी मिले थे। मैं कमेंट में आपको शो भी कर देता हूँ कि सर्टिफिकेशन मिले थे या नहीं मिले थे, सो आप चेकआउट कर सकते हो। आई गॉट द सर्टिफिकेशन इन द मेल, बट आई कैंट सी द क्रेडेंशियल्स, वो अलग बात है, देख सकते हो। एंड सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, एंड आप लोगों को भी सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। कैसे, तो माइक्रोसॉफ्ट लेके आ गया आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट लर्न AI स्किल चैलेंज 2024, ठीक है। इस चैलेंज में आपको जो है AI स्किल सिखाई जाएगी, जिसके थ्रू आप अपने वेजेस यानी आपकी इनकम को 21% से ज्यादा ग्रो कर सकते हो, यानी आप अपनी सैलरी में काफी अच्छा हाइक पा सकते हो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेशन होंगे, ठीक है। चाहे आप एक सीजन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल हो या आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो अपने टेक्नोलॉजी करियर को, ये जो है ये मंथ लॉन्ग इमर्सिव चैलेंज जो है आपको हेल्प करेगा कि आप जो है नई स्किल्स को सीख पाओ, कॉन्फिडेंस गेन कर पाओ, और माइक्रोसॉफ्ट के क्रेडेंशियल्स जो है वो आप पा पाओ, जिसके थ्रू आप जो है एक्सेल कर सको एरा ऑफ AI के अंदर, ठीक है। अब AI जो है कॉन्टिन्यूसली ग्रो हो रहा है, ChatGPT आया, डेविन आया, ठीक है, बार्ड आया, काफी सारी कंपनी AI में हैविली इन्वेस्ट कर रही है, जिसके थ्रू काफी सारे लोगों को जो है अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ रहा है। सो अगर आप AI को सीखते हो तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा कि आप जो है इररिप्लेसेबल बन पाओ इस रिसेशन मार्केट में, राइट। सो यार, ये जो है काफी अच्छा चैलेंज आप लोगों के लिए होने वाला है। बात कर लेते कि यार इस वीक क्या होने वाला है, तो यार आपको जो है क्रिएट करना सिखाएंगे अजर AI सर्च सॉल्यूशन को, साथ ही साथ आप जो है अप्लाई कर सकते हो जो भी आपने सीखा है और डिप्लॉय कर सकते हो AI हैक यू, ठीक है। ये सब आप चेकआउट कर सकते हो, एक्स्ट्रा की चीज है, आप इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर ही देने वाला हूँ, ठीक है, आप चेकआउट कर लेना। आगे हम जाके एक जो बोल सकते हैं FAQ सेक्शन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए वेट करना, उसको मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चैलेंज जो क्या है, चैलेंज मैं आपको समझा देता हूँ कि चैलेंज क्या है एक्चुअली इनका। सो यार, आपको जो है चार कोर्सेस प्रोवाइड करे गए, टॉप कटिंग एज AI टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जिसके अंदर से आप कोई भी एक कोर्स को क्लेम कर उसको काफी अच्छे से पढ़कर उसका एक वाउचर अर्न कर सकते हो। वैसे तो इसमें चार कोर्सेज है, आप चारों के चारों कर सकते हो, लेकिन सर्टिफिकेशन आपको किसी भी एक वाउचर मिलेगा कोई भी एक कोर्स का। सो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज ऐसी चीज चुनना जो आपको सही में बेनिफिट कर पाए, और उस हिसाब से आप अपना जो है सर्टिफिकेशन का वाउचर क्लेम कर सकते हो। लिमिट क्या है, पर पर्सन एक ही वाउचर ले सकता है, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें अप्लाई। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस, मैं भी आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको जो है कोई भी एक चैलेंज लेना है। चैलेंज कौन से भैया, सो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक, एज्योर ओपन AI, एज्योर मशीन लर्निंग, एज्योर AI फंडामेंटल्स, ठीक है। ये चारों कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें से कोई भी एक कोर्स आपको कंप्लीट करना है, और जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे आप एलिजिबल हो जाओगे पर्टिकुलर वाउचर के लिए, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब मेरा सजेशन क्या रहेगा कि अगर आप एज अ बिगिनर हो, आपको बिल्कुल AI का नॉलेज नहीं है, तो आप अश्योर AI फंडामेंटल्स पे जाओ, ठीक है, क्योंकि ये इसलिए नेसेसरी है कि आप अगर एकदम से एडवांस टेक्नोलॉजी पे कूद जाओगे तो आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे कि यार
व्हाट इज कंप्यूटर विजन, ठीक है, कैसे चीजें वर्क कर रही है, कैसे जो है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो रहा है, एनोमली डिटेक्शन हो रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो क्लाउड्स है उसमें कैसी चीजें वर्क कर रही है, तो ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी अगर आप एकदम से हैवीली प्रोफेशनल सर्टिफिकेट पे कूदोगे। तो अगर बिगनर हो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा अज्योर ये फंडामेंटल बेस्ट होने वाला है आपके लिए। अगर आप सोचते हो कि हाँ यार मुझे थोड़ा आ गया है, मुझे चीजें आ गई है, ठीक है, तो आपको करना क्या है अज्योर ओपन एआई को चेकआउट कर लेना। ये काफी अच्छा चैलेंज है जो आपको अच्छी खासी ग्रोथ देगा आपके करियर में, ठीक है। अज्योर मशीन लर्निंग अगेन बेस्ट बोल सकते हैं सर्टिफिकेशन होने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक करना चाहो कर लेना, बाकी इतना रिकमेंड नहीं करूंगा। मेनली आप इन तीन पे फोकस करना, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे ग्रो करने में। इन कोर्सेस आपको सीखने क्या मिलने वाला है, तो आप अपना जनरेटिव एआई एप्लीकेशन सीख सकते हो, आप ज्यादा अच्छे से वर्क कर सकते हो, प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हो, रीशेप कर सकते हो कि कैसे यूजर एक्सेस कर रहा है एआई प्लेटफॉर्म्स को, एक्ट कर रहा है डेटा पे और क्या चीजें वर्क कर रही है। और आपको एंटरप्राइज ग्रेड एआई सर्विसेज भी एंड टू एंड सीखने का मौका मिलेगा, उसकी लाइफ साइकिल सीखने का मौका मिलेगा, राइट। आपको इस चैलेंज में और क्या मिलने वाला है, तो आपके पास चांस है कि आप जो है मीट कर सकते हो पीर्स एंड एक्सपर्ट से, जिसके थ्रू आप जो है काफी सारा गाइडेंस ले सकते हो, अपने कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हो, इनकी कम्युनिटी एक्टिविटीज को आप ज्वाइन कर सकते हो, लर्न रूम जो है माइक्रोसॉफ्ट अज़्योर जीरो टू हीरो इस पे क्लिक करके, ठीक है। आप जो इनके शोज भी वॉच कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन टेक्निकल स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है आपको सिखाए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, जिसके थ्रू आप जो है काफी चीजें लर्न कर सकते हो। आप जो एक्सप्लोर कर सकते हो इंस्ट्रक्टर लीड ट्रेनिंग को, मान लो अगर आपको काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आप सपोर्ट्स की हेल्प ले सकते हो, चीजें ले सकते हो, एंड आप बहुत सारी चीजें जो है डिस्कवर कर सकते हो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो यहाँ पे दी हुई है। आप एक्सप्लोर कर लेना, अभी सब चीजें एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला कि आपको कोई भी एक बात लेना है और उसको कंप्लीट करना है, तो आपको कुछ इस टाइप के सर्टिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। इस टाइप का सर्टिफिकेशन जो है वो तब मिलता है जब आप कोई लैब कंप्लीट करते हो, अपनी जो नॉलेज है उसको इंप्लीमेंट करते हो चीजों के ऊपर, और ये सर्टिफिकेशन आपको मिलता है जब आप पूरा सर्टिफाइड हो जाते हो, सारी चीजें कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है। सो ये हो गया पूरा, मैंने जितनी चीज आपको बतानी थी। चलते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस पे, जिसकी मैंने बात करी। तो टर्म्स एंड कंडीशंस इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रोग्राम है ये मार्च 19 को स्टार्ट हो चुका था और एंड होगा 19 अप्रैल को, तो प्लीज इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेना। एज सून एज आपका जिस ये चैलेंज कंप्लीट हो जाए, तो आपको जो है मेल के थ्रू आपके जो सर्टिफिकेशन वाउचर है वो इस इवेंट के एंड होने के बाद आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, राइट। एंड आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि आप जो है एक चैलेंज कंप्लीट करोगे उसी के बाद आप एलिजिबल हो पाओगे अपने माइक्रोसॉफ्ट के फ्री सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए। वन पर्सन एक ही वाउचर अवेल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जामिनेशन रहेगी, बस आपको सारे रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। और जैसे मैंने बोला अगेन एक ही वाउचर ले सकते हैं, यानी एक ही एग्जाम ले सकते हैं। यहाँ पे चारों एग्जाम के बारे में दिया गया है, आप अपने आप से एक्सप्लोर कर लेना। कोई भी प्रीरिक्विजिट्स आपको आने की जरूरत नहीं है एग्जाम लेने के लिए, यानी पहले से कुछ आपको नहीं आता है तो आप इनके कोर्स को लेकर उसको सीख कर एग्जाम दे सकते हो। तो बहुत सारी नॉलेज की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने बोला एग्जाम का ऑफर आपको कब तक रिवील करना पड़ेगा, तो 26 अप्रैल तक आपको रिडीम करना पड़ेगा, 24 जून तक आपको रिडीम करना पड़ेगा, उसके बाद वो वाउचर्स एक्सपायर हो जाएंगे, ठीक है। उससे पहले आपको अपनी एग्जाम बुक करनी पड़ेगी। एंड रिगार्डिंग सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली, जो आप देख सकते हो कौन सी कंट्रीज एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंडिया ऐसी कंट्री नहीं है। एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप 14 साल से बड़े होने चाहिए इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, देन आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी आप अपने फादर या मदर की आईडी से भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, दैट्स नॉट एन बिग इशू, ओके। देन आप जो इस वाउचर को पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना ही बेच सकते हो। अगर आप ऐसे करते हुए पाएगा तो फिर अगेन एक्शन होगा। इनकेस आपको कोई डाउट होता है तो आप इनके चैलेंज सपोर्ट @microsoft पे मेल कर चीजें पूछ सकते हो, 3 दिन में आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे, ठीक है। सो मैंने आपको इस चैलेंज को फुल्ली एक्सप्लोर करके बता दिया भैया। अब अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस इवेंट के अंदर, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सपोज मुझे आया यार मुझे जो है अज्योर एआई फंडामेंटल करना है, ठीक है। मैंने अज्योर एआई फंडामेंटल पे क्लिक करा, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करा, तो ये आपको जो इनके लर्निंग प्लेटफॉर्म पे भेज देगा। यहाँ पे सबसे पहले आपकी आईडी यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन होनी चाहिए, मेरी ऑलरेडी है नहीं है, क्रिएट कर लेना। मेक श्योर करना जीमेल से क्रिएट करना, माइक्रोसॉफ्ट की आईडी से क्रिएट मत करना, जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की आईडी होती है, नहीं तो आपको मेल नहीं आएंगे, देन मेरी कोई गारंटी नहीं रहेगी, ठीक है। सिंपली जैसे आपने ज्वाइन कर लिया, लॉगिन कर लिया, आपके सामने ऐसा आ जाएगा ज्वाइन द चैलेंज पे, और ये चैलेंज जो है अभी खत्म हो जाएगा 19 मार्च को, ठीक है, सॉरी 19 अप्रैल को, यानी कल। तो यार इस चैलेंज को आप फटाफट खत्म कर सकते हो, ज्यादा बड़ा चैलेंज है नहीं। सिंपली यार रीड एंड एग्री पे क्लिक करना है आपको, एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है।
जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने स्टार्ट लर्निंग का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपने पहले से काफी चीजें करके रखी है तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा इस चैलेंज के अंदर। जैसे मेरा 59% ऑलरेडी कंप्लीटेड है क्योंकि मैंने बहुत पहले इसको ऑलरेडी एक बार कर दिया था, ठीक है। सो बस जितने नए नए प्रोग्राम से जो 00 पे उसको आप कंप्लीट कर सकते हो, इसको एक दिन में खत्म करा जा सकता है। सो जल्द से जल्द जाके इसको फुल्ली एडवांटेज लो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना। एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।